पहले पार्ट में आपने देखा राजगीर का पास्ट कि कैसे राजगीर मगध साम्राज्य के अनेक राजाओं की राजधानी बना रहा। यहाँ आई बटन पर क्लिक कर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे राजगीर का वर्तमान और जानेंगे इससे जुड़े कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। राजगीर में एक मनियार मठ भी है जो एक समय सांपों की पूजा करने वाले पंथ का मठ हुआ करता था। राजगीर का एक प्रमुख आकर्षण वीरयातन म्यूजियम ऐसे पर्यटकों के लिए बेहद खास है जो कि 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। राजगीर का वेनसांग मेमोरियल हॉल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। जीविका मैंगो गार्डन राजगीर घूमने वाले प्रमुख जगहों में से एक है। जीवक बिम्बिसार अजातशत्रु के शाही वैद्य थे, उन्हीं के नाम पर इस गार्डन का नाम रखा गया है। पांडु पोखर एक खूबसूरत और प्राकृतिक पार्क है जो पर्यटकों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। पांडु पोखर पार्क राजगीर में राजहरा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और लगभग 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। पांडु पोखर उद्यान के प्रमुख आकर्षण में नौका विहार, शांत झील, जगमगाती रोशनी, राजा पांडु की कांस्य की आकर्षक प्रतिमा और बच्चों के मनोरंजन के लिए कई आकर्षक गतिविधियाँ आदि शामिल हैं। पंच पहाड़ियों से घिरा राजगीर वन्य जीवन अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और साथ ही अपने अंदर जैव विविधता को समेटे हुए जिले का एक लौता वन्य जीवन अभयारण्य है। राजगीर अभयारण्य में वनस्पतियों और वन्य प्राणियों की कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की भी कई किस्में राजगीर के जंगलों में पाई जाती हैं। वन्य जीवों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में पर्यावरण विभाग और वन विभाग द्वारा 1978 में 35.84 स्क्वायर किलोमीटर के राजगीर जंगल क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया था। कुछ वर्षों पहले तक इसे पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। पटना से राजगीर की दूरी 100 किलोमीटर है। राजगीर की ऐतिहासिक भूमि, धार्मिक तीर्थस्थल, 3 साल पर एक बार आने वाला वृहद मल मास मेला और खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों को खूब लुभाती है। यही वजह है कि राजगीर की पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लंबी पूंछ वाले सुल्तान बबूल, रंगीन तीतर, करवानक, हारिल, बसंता, मछली खोर पनकावा, कोरिला किलकिला, छोटा किलकिला और खंजन, कोतवाल, निशाचर उल्लू या नाइट जार, चिकरा बाज, अपने मधुर आवाज़ के लिए मशहूर कोयल, पपीहा, सलेटी धनेश जिसके चोंच पर सिंह होता है, सीटी जैसी आवाज़ निकालने वाला छोटा सिल्ली बत्तख, जंगल का प्रहरी टिटहरी, ऑरेंज हेडेड थ्रस आदि सामान्य पक्षी देखने को मिलते हैं। वहीं मैमल्स में चीतल, लंगूर, मैकॉक बंदर, नीलगाय, जंगली सुअर, सीवेट कैट, गीदड़, धारीदार लकड़बग्घा, जंगली खरहा, जंगली बिल्ली, साही और पहाड़ों के खोहों में चमगादड़ों की कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बुल फ्रॉग भारत का सबसे बड़ी प्रजाति का मेंढक है। दिन में अपने खास खुरपी नुमा पैर से खुदाई कर मिट्टी के अंदर छुपा रहने वाला इंडियन बरोइंग फ्रॉग और जंगलों के फर्श पर उंगली के नाखून के आकार के छोटे मेंढक ऑर्नेट फ्रॉग और रेंगने वाले प्राणियों में बहुत कम संख्या में बचे इंडियन रॉक पाइथन अजगर के अलावे ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक, कोबरा, करैत, वुल्फ स्नेक, मॉनिटर लिजर्ड, स्किंक भी खूब दिखाई देते हैं। स्ट्राइप्ड टाइगर, पीकॉक पेंसी, ग्रे पेंसी, येलो पेंसी, लेमन पेंसी, कॉमन क्रो, मॉर्मोन, लाइम ब्लू और ग्राम ब्लू सहित करीब 40 प्रजातियों की तितलियां राजगीर में मिलती हैं। अब थोड़ा जानते हैं राजगीर के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। द मोस्ट अवेटेड ग्लास स्काई वॉक। इस स्काई वॉक की कुल लंबाई 85 फीट और चौड़ाई लगभग 6 फीट है। घाटी से इसकी ऊंचाई 250 फीट है। इस पर एक साथ 40 लोग जा सकते हैं। हालांकि डी सेक्टर यानी अंतिम छोर पर एक साथ 10 से 12 लोग ही जा सकेंगे। राजगीर के अति प्राचीन व्यवहारगिरी पर्वत के तलहटी में बनाए गए इस पुल में 15 mm के 3 लेयर के शीशे लगाए गए हैं। इनमें लगे शीशे की कुल मोटाई 45 mm है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण
इस पर चलना काफ़ी रोमांचकारी भी होगा। बताया जा रहा है कि इस पर चलने वाले लोग स्वयं को हवा में तैरता हुआ महसूस कर सकेंगे। इसे मार्च 2021 में पूरा करने का लक्ष्य है। राजगीर का यह ग्लास स्काई वॉक बिहार का पहला और देश का भी पहला ग्लास स्काई वॉक होगा। सिक्किम के पेलिंग में देश का पहला ग्लास ब्रिज है। राजगीर का ग्लास स्काई वॉक ब्रिज नहीं है। 800 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 90 एकड़ भूमि में एक क्रिकेट स्टेडियम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनने वाला है। राजगीर जू सफारी 480 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है और इसका अनुमानित बजट लगभग 177 करोड़ है। यहाँ जानवर पिंजरे में नहीं रहेंगे बल्कि वे एक वन क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे। आगंतुकों को सुरक्षित पर्यावरण के अनुकूल वाहन से उन्हें देखने की अनुमति होगी। यह जंगल क्षेत्र में वैभवगिरी और सोंगरी पर्वत के बीच स्थित होगा, जो जेटीएन की पहाड़ियों की तलहटी में राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटा हुआ है। नेचर सफारी में मिट्टी और भूसे से मड कॉटेज बन रहा है, जहां लोग प्रकृति के बीच नेचुरल घर में रहने का आनंद ले सकेंगे। यहां प्राचीन काल में पेड़ों पर लोगों के घर बनाकर रहने का अनुभव देने के लिए प्री कॉटेज बनाया गया है। इस कॉटेज में बेड से लेकर बाथरूम तक उपलब्ध है। बहरहाल वन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इन सभी को पूरा होने के बाद न केवल यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी बल्कि पर्यटक यहाँ आकर कई दिन गुजारेंगे भी। तो क्या ख्याल है, चलें?